हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित दीदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उनकी पूरी बायोग्राफी को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, एक स्टेट्समैन भी थे, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। हर चीज़ इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। और इसमें मैंने कोई टेक्स्ट नहीं इंक्लूड किया इस पीपीटी में, बस एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताता जाऊंगा ताकि नैरेशन सुन के आपके पास थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे, आपको चीज़ें समझ में भी आती रहे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है फ्रेंड्स। अब मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करते हैं। खासकर इनका नाम इसलिए वे भी ज़्यादा न्यूज़ में आने लगा है क्योंकि 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, पर वो एक अलग चीज़ है। शुरू करते हैं, और भी इनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं फ्रेंड्स। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था, 25th of December 1861 को अलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अलाहाबाद ही इनकी कर्म भूमि रही है, काफ़ी फेमस रहे हैं ये वहाँ पे। अलाहाबाद के एक और पर्सन थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, और पॉलिटिशियन हैं ये, एजुकेशनिस्ट हैं। इनके फादर का नाम था पंडित ब्रजनाथ, इनकी वाइफ का नाम था कुमारी देवी, इनकी माता जी का नाम था मूना देवी, इनके बच्चों का नाम था गोविंद मालवीय और रामाकांत मालवीय। इनकी मृत्यु हो गई 12 नवंबर 1946 को, ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी मृत्यु हुई वाराणसी में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आगे अब मेन इन्फॉर्मेशन चलते हैं, पूरा पूरा आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। भारत रत्न मिला है इनको, ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 4 बार, और जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी यही थे। एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर इसने उसकी संस्थापना की थी। 2 दशक से ज़्यादा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स रहे हैं, ठीक है, हिंदू महासभा के साथ भी जुड़े हुए थे ये। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है लीडर नाम का, उसको भी ये पब्लिश करते थे फ्रेंड्स, और उनको प्यार से लोग महामना भी कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मुंडका उपनिषद से हमारा ये जो स्लोगन टाइप का है ना, सत्यमेव जयते, ये भी इन्होंने ही पॉपुलराइज किया है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी, सत्यमेव जयते तो इनकी बहुत बड़ी देन है। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया आपका 25 दिसंबर 1861 को अलाहाबाद में हुआ। पंडित ब्रजनाथ जी इनके पिता थे और उनकी वाइफ थी मूना देवी यानी इनकी माँ। अच्छा, इनके माँ बाप के 5 बेटे और 2 बेटियाँ थीं, उसमें 5वें बच्चे थे, ठीक है। और ख़ास बात ये थी कि इनका नाम मालवीय कैसे पड़ा, इनके नाम के आगे मदन मोहन मालवीय जो लगा है वो कैसे पड़ा। देखिए, इनका जो एक्चुअल सरनेम था वो था चतुर्वेदी, पर इनका नाम मालवीय इसलिए पड़ गया फ्रेंड्स क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इनके पूर्वज थे ना, वो संस्कृत के टीचर्स रहे थे, संस्कृत के स्कॉलर्स रहे थे, और वो मध्य प्रदेश में एक जगह मालवा है वहाँ के थे। तो मध्य प्रदेश में उस जगह मालवा के थे इनके एंसेस्टर्स, इसलिए इनके नाम के सामने क्या लग गया, मालवीय लग गया। हालांकि एक्चुअली में इनका सरनेम चतुर्वेदी था। इनके फादर भी एक संस्कृत स्कॉलर थे और वो एक्सेप्शनल कथावाचक थे। कथावाचक जो कथाएं नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता की कथाएं कही जाती थी, पूरी मंडली लिखती थी, सब लोग बैठते थे वहाँ पे, एक कथावाचक होता था जो कथा बोलता था, सब लोग उसको सुनते थे। तो वो कथावाचक थे, और जब पंडित मदन मोहन मालवीय छोटे थे तो जब वो अपने पिताजी को कथा देते हुए बोलते थे तो इनको भी लगता था कि मैं भी बड़े होकर कथावाचक बनूंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि बड़े होने के बाद कुछ और ही इनका इंतज़ार कर रहा है। 5 साल की उम्र पे ही इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर अपनी प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से शुरू मतलब करी, पंडित हरदेव के अंडर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने अलाहाबाद जिला स्कूल में दाखिला लिया जो कि एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था। इन्होंने अपनी बहुत सारी पोएम्स भी लिखी, और इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो मकरंद नाम के अंदर लिखी, जो स्यूडोनिम था इनका मकरंद, यानी कि जो जिस नेम के अंदर पे कविताएं लिखी जाती हैं, जो बाद में 1883 और 1884 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपती थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। अच्छा, ये हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे फ्रेंड्स, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया हो तो, जिसने भी हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी लिटरेचर, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र को ज़रूर जानता होगा, ठीक है। इनके और भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पे, जो हिंदी प्रदीप में छपे हैं, ठीक है। अपनी मैट्रिकुलेशन भी इन्होंने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है, जिसका उस समय पे नाम था मुयर सेंटर कॉलेज, MUIR, मुयर सेंटर कॉलेज से इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की 1879 में। उसके बाद फ्रेंड्स बात ये थी कि इनका क्या था कि BA कर रहे थे ये,
तो बीए करते वक्त भी इनके घर में कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली इनको एक मंथली स्कॉलरशिप दे दी हैरिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अपनी बीए की डिग्री कर पाए। लेकिन ये संस्कृत में मास्टर्स करना चाहते थे, लेकिन संस्कृत में मास्टर्स करने से इनको थोड़ा रुकना पड़ा। रीज़न ये था कि इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और इनको नौकरी करने की बहुत ज़रूरत हो गई। तो फिर इन्होंने इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर की नौकरी ले ली, जहाँ इनको 40 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। ये नौकरी इन्होंने शुरू की जुलाई 1884 में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब बात यह है कि अब देखा जाए तो इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसे शुरू हुआ, तो हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या क्या किए इन्होंने। कि भाई कलकत्ता का दिसंबर 1886 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये दूसरा ही सेशन था, पहला 1885 था, दूसरा कलकत्ता में होता 1886 में। तो वहाँ पे दैदा भाई नेहरू जी से इनकी बात हुई, इन्होंने कुछ ऐसे ख्यालात सामने पुटअप किए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। ठीक है, फिर उस समय पे उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन में एक राजा रामपाल सिंह जी थे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो राजा रामपाल सिंह जी को उनकी एक हिंदू वीकली थी हिंदुस्तान नाम की, तो उस हिंदुस्तान नाम की वीकली के लिए एक एडिटर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मालवीय जी को अप्रोच किया कि आप ये जो मेरी वीकली है ना हिंदुस्तान, इसके एडिटर बन जाइए। राजा रामपाल सिंह जी ने, मालवीय जी ने क्या किया कि सिंह जी को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और जो पहले वो स्कूल जॉब में पढ़ा रहे थे ना वो उन्होंने छोड़ दी, और उन्होंने 1886 से लेकर 1887 तक एज एन एडिटर काम किया। ठीक है, उसके बाद उस पोजीशन पे उन्होंने 2.5 साल काम किया। ठीक है, अच्छा और हाँ एक बात और फ्रेंड्स, इन्होंने काम यहाँ पे शुरू 1887 में किया था। ठीक है, इन्होंने काम यहाँ पे जुलाई 1887 में शुरू किया था, मैं गलती से 1886 से 1887 बोल गया। तो ये जो राजा रामपाल सिंह जी की जो वीकली थी हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान टाइम्स भी अभी बनेगा, देखते ध्यान से सुनिएगा। तो इस वीकली में इन्होंने 2.5 साल काम किया, जुलाई 1887 में इन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद ये इलाहाबाद वापस लौट गया फिर से लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय के जितने बड़े भी लीडर्स थे उनमें आप देखोगे तो 99% केसेस में एक चीज़ कॉमन थी कि सब लॉयर थे। अब जब ये लॉ पढ़ रहे थे तो 1889 में इन्होंने एक इंग्लिश डेली को भी एडिट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उसके साथ और भी बहुत सारे यू नो पब्लिकेशंस को इन्होंने एडिट किया, जैसे एक हिंदी वीकली आती थी अभ्युदया 1907 में, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हुए। फिर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था लीडर नाम का 1909 में, उसको भी इन्होंने एडिट किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक हिंदी पेपर आता था मर्यादा नाम का, उसको भी किया। फिर एक ये जो हिंदुस्तान टाइम्स था ना फ्रेंड्स, इसको ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था तो उसको इन्होंने रिवाइव किया 1924 में, और इनको हिंदुस्तान टाइम्स को रिवाइव करने में इनका साथ दिया लाला लाजपत राय जी ने, घनश्याम दास बिरला जी ने, एम आर जयकर जी ने। ठीक है, और इसका जो हिंदी एडिशन था ना हिंदुस्तान टाइम्स का, वो हो गया हिंदुस्तान 1936 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की 1891 में। ठीक है, अब धीरे धीरे काम करते गए करते गए, ये 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये चुने गए 1909 में, फिर ये चुने गए 1918 में, और ऑब्वियसली बात है ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में मॉडरेट वाले ग्रुप में आते थे मदन मोहन मालवीय जी। तो अपने और मॉडरेट ग्रुप के लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 के दौरान अगर किसी एक पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में वकालत की थी तो वो मदन मोहन मालवीय जी थे, वो शुरू से सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट में थे फ्रेंड्स। उसके बाद 1911 में फ्रेंड्स इन्होंने अपनी जो वेल सेटअप लॉ की प्रैक्टिस थी ना, ये जो लॉयर थे ना, उसको इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि अब मैं सन्यासी की ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन हुआ ये कि 1922 में हो गया चौरी चौरा कांड, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो उस समय पे जो लोग इस कांड में शामिल थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लगभग 177 लोगों को अरेस्ट करके उनके ऊपर केस चलाया जा रहा था। और 1924 में सजा दी गई कि इन 177 फ्रीडम फाइटर्स को आप फांसी पर लटका दो। उस समय में मदन मोहन मालवीय जी वापस लौट के आए सेशंस कोर्ट में और इन 177 लोगों को बचाने की कोशिश की, जिसमें से 156 लोगों को उन्होंने बाइज्जत बरी करा दिया। तो वैसे तो वो लॉ से रिटायर कर गए थे, लेकिन इस काम के लिए वो वापस लौट के आए। एनी बेसेंट जी के साथ भी मिलकर मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत काम किया है। एनी बेसेंट जी आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, इनकी बायोग्राफी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये एक ब्रिटिश वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी, थियोसॉफिस्ट थी, अच्छा बोलती थी, ये होम रूल लीग के साथ भी एसोसिएटेड थी, और इन्होंने
आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने, एनी बेसेंट जी ने 1898 में। यह मालवीय जी से मिली अप्रैल 1911 में, और उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक हिंदू यूनिवर्सिटी खोलेंगे वाराणसी में, और ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था ना वो भी इस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो संस्थापक है वो मानी जाती है एनी बेसेंट जी, और अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है और आज भी दोनों फंक्शनल है, ठीक है। और ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट रेजिडेंशियल, सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल, सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, एशिया की सबसे ज़्यादा जगह है उसमें रहने की। और ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी 1916 में बनी गई थी BHU एक्ट 1915 के द्वारा, और उसके बाद से लेके 1939 तक इसके वाइस चांसलर रहे मदन मोहन मालवीय जी। 1912 में मदन मोहन मालवीय जी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने, ठीक है, और वो बने रहे, काफ़ी दिन तक बने रहे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फ्रेंड्स ये जब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई तब भी ये उसके मेंबर बने रहे। तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई 1919 में, पहले इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और ये इसके मेंबर रहे 1926 तक फ्रेंड्स। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली किसके थ्रू हुई थी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू, जाके वो वाला वीडियो देखिए फ्रेंड्स। फिर बहुत सारे लीडर्स के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के साथ काम किया, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम किया, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उसका पुरजोर विरोध किया इन्होंने फ्रेंड्स। फिर समय समय पे ये अपने मैनिफेस्टोज निकालते रहते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के फेवर में। फिर 1931 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद, तो जस्ट गांधी जी के बगल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी बैठ के उस सेशन को उन्होंने अटेंड किया था। फिर कांग्रेस का दिल्ली में एक सेशन हुआ था 1932 का, उसमें भी ये प्रेसिडेंट थे फ्रेंड्स। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में जो, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तो इन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया ना, इसका मदन मोहन मालवीय जी ने अपोज किया था। थोड़ा सा इनका ऐसा था कि इनके लिए बोला जाता है कि इनके अंदर थोड़ी सी रिलीजियस टेंडेंसीज थी, थोड़ा हिंदू सेंटीमेंट इनके अंदर ज़्यादा था। जैसे लखनऊ पैट के दौरान भी इन्होंने अपोज किया, हालांकि वो अपोजिशन सही था, सेपरेट इलेक्ट्रेट जो उस समय बात हो रही थी वो बांटने की बात हो रही थी, वो नहीं होना चाहिए था। फिर खिलाफत मूवमेंट को जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ा गया तो इस बात में इनको परेशानी हुई, ठीक है। अच्छा, जब कम्युनल अवार्ड आया था तो उसके खिलाफ युरावाड़ा जेल पुणे में गांधी जी फास्ट अंटू दैट पे बैठ गए थे, तो उसको तोड़ने के लिए पूना पैक्ट को पास कराने में मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये पूना पैक्ट मदन मोहन मालवीय जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था 25 सितंबर 1932 को। ये पूना पैक्ट क्या है इस पे मैं पूरी पूरी वीडियोस बना चुका हूँ। जितना रिजर्वेशन उनको कम्युनल अवार्ड दे रहा था उससे ज़्यादा इनको ये पूना पैक्ट ने दे दिया। फिर सबसे आखिरी बार, चौथी बार ये प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के 1933 के कलकत्ता सेशन में फ्रेंड्स, ठीक है। तो और 1937 में आप कह सकते हो फ्रेंड्स ये एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से रिटायर हो गए थे, और आप कह सकते हो कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी 1934 में। 1937 में ये एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से रिटायर हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई बाद में इनकी, और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो वाराणसी में हुई थी 12 नवंबर 1946 में फ्रेंड्स, और आप समझ 24 दिसंबर 2014 को इनको भारत रत्न दिया गया था इनकी 153वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। देश में बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो इनको ऑनर करने के लिए इनके नाम पे रखी गई, जैसे एक महामाना एक्सप्रेस चलाई गई है वो भी इनके नाम पे है, ट्रेन है ये। फिर मालवीय नगर है दिल्ली में वो भी इनके नाम पे। फिर जयपुर लखनऊ इलाहाबाद में बहुत सी जगह है जो इनके नाम है। गोरखपुर में है एक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी इनके नाम है। जयपुर में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी इनके नाम पे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बता दी है आपको। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा कैसी लगी, नहीं पसंद आई है तो ये भी बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आई, और जितना हो सके इतना उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।